1972 से सिपाही जी यहाँ पर खाते हैं। कैसे टेस्ट लगता है यहाँ का? यहाँ का टेस्ट कैसा है? ये देखिए ब्रेड हम काट कर रखा हुआ है। ये देखिए गाइस मैं ब्रेड एक टेस्ट करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस जी मैं बाकागंज से थोड़ा सा आगे हूँ और यहाँ पर देखिएगा मेरा फूल चौकी है और सामने गांधी मैदान है जो कि रिजन से हम केवल बढ़ते हैं। तो यहीं पर एक बाबा जी का छोटा स्टॉल लगा है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है। चलिए ब्लॉग में देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। गाइस बहुत ही भीड़ रहता है, ये समोसा वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है और एकदम सामने आपका बनेगा। देखिए ढाबा टाइप भाई उन्होंने बना कर रखा, नाम भी रखा हुआ मुकेश पास्ता कॉर्नर, देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर ग्राहक खा रहे हैं, कैसे पूछेंगे कैसा लग रहा है यहाँ का टेस्ट, कैसा है टेस्ट, कैसा है यहाँ का? ठीक है, बढ़िया है। आपको कैसा लगा अंकल यहाँ का टेस्ट? क्या खा रहे हैं आप? बढ़िया है टेस्ट। कब से खुला हुआ ये दुकान? दुकान तो 1972 से है, बहुत पुराना है। टाइम खुलने का शाम के दिन में खुला रहता है? नहीं, सवेरे 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ, रात में 8 बजे से। 8 बजे तक? अच्छा, लाइट उट लगाए हैं? रात में लगा लेते हैं। अच्छा, देखिएगा यहीं पर बनता है तो भाई बता दिया बहुत टाइम से खुला हुआ। कब से खुला है? 1972 से। 1972 का दुकान है, लोग खा भी रहे हैं, बोले यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए भीड़ लगते जा रहा है, अभी तो कुछ दो ही लोग थे, देखिए धीरे भीड़ लगते जा रहा है। क्या क्या बनता है यहाँ पर? समोसा बनता है, लिट्टी बनता है, ब्रेड पकौड़ा बनता है, आलू चप बनता है, बैगनी बनता है, गोभी चप बनता है। ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ पर? समोसा, समोसा, ब्रेड। अच्छा, सबका दाम जो लिखा वही है प्राइस? हाँ, वही। तो देखिए गाइस कितना क्या मिलेगा, 20 रुपए में 2 पीस ब्रेड मिलने वाला है, समोसा मिलेगा 2 पीस 20 रुपए का, मतलब 2 मिल रहा 10 रुपए एक समोसा ना, लिट्टी 15 रुपए का 2 पीस। ये क्या है? गोभी चप। अच्छा, ये क्या? 10 का 2। आई आलू चाप 10 का 2, बैगनी 10 का 2। देखिएगा यहाँ पर मेनू लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत कुछ गाइस मिल रहा है हम लोगों को, देख लीजिए। एक आइटम को नहीं मिलने वाला है, ब्रेड बनेगा। ब्रेड बनेगा? अच्छा, चलिएगा ब्रेड बनेगा, देखते हैं। ये सब क्या है थोड़ा बता दीजिए? लिट्टी है। लिट्टी है और ब्रेड है? ब्रेड। ये आलू है, आलू चाप है, कद्दू है। अच्छा, देखिए सब आइटम है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा पूरा आइटम भरा हुआ है। इसमें क्या बाबा? छोला है, छोला के साथ आपको मिलने वाला। देखिए एकदम गर्म गर्म मिलेगा ना, एकदम गर्मा गर्म मिलेगा गाइस। मेनू में यहाँ पर लिखा हुआ है समोसा को कितना मिलेगा, ये बाबा बोले थे, ऊपर लगा हुआ टैग और यही प्राइस में आपको मिलने वाला है। दो मिलेगा, गर्मा गर्म मिलेगा। और ब्रेड वगैरह देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, एकदम ताजा बनता है ना बाबा? एकदम ताजा बनता है, देखिए वहाँ पर। अच्छा, ये देखिए ब्रेड हम काट कर रखा हुआ है। क्या क्या डालते हैं इसमें? आलू है। आलू? अच्छा, आलू डालते हैं। देखिए आलू डाल के गाइस देख लीजिए, फिर इसको बनाएंगे बाबा, ये आज ही पूरा बिक जाएगा ना, आज ही बिक जाना है ना। ठीक गाइस, ये बहुत ही पुराना स्टॉल बाबा ने बताया, 1900 ग्रुप का है, बहुत ही पुराना है। और आप ही चला रहे हैं? पहले सामने होटल था, कोई होटल नहीं रहा यहाँ पर, पहले सामने बाबा जी का होटल था, उसके बाद अभी यहाँ पर आ गए। देख रहे हैं छोटा सा स्टॉल टाइप खोल लिया है, किसी में खिलाते हैं, पहले इनका होटल लिया हुआ करता था। बहुत पुराना ये है गाइस, आप लोग कभी यहाँ से गुजरिए तो जरूर खाइएगा, बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट लगने वाला है। यहाँ पर पूरा भीड़ लग जाता है लोगों का, अभी तो होली के कारण आपको उतना भीड़ नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो बहुत ही भीड़ रहता है। लॉकडाउन में बाबा कैसे चल रहा था कि नहीं दुकान? लॉकडाउन चल रहा था, यहीं पर हमेशा रहते हैं। रहने वाले कहाँ के आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के हैं? कैसा टेस्ट है यहाँ का? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत दूर से हम लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। अच्छा, चला आपको टेस्ट, इसके पहले खाएंगे, पहली बार खा रहे हैं? बहुत दूर से बोल तो रहे हैं कि आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। वाह, दूर से भाई आते हैं खाने के लिए। क्या खा रहे हैं भाई आप? हम लोग प्याज ही खा रहे हैं। अच्छा, क्या खा रहे बाबू? लिट्टी खा रहे हैं। लिट्टी कैसा लगे यहाँ? लिट्टी खाते हो? पहली बार खा रहे हो? हमेशा खाते हो? पहली बार खा रहे हो, अच्छा लगा सच में ना? 2-3-4 ग्राहक से मैंने पूछा, सब किसी को भी ऐसा नहीं बोला खराब टेस्ट लगा, सबको बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा। कुछ तो यहाँ पर नए भी आए, दूर से बोले भाई तो बोले कि बहुत दूर से आए खाने के लिए। ये सब मूली उली काट के रखे हो क्या? साथ में मिलेगा खाने के लिए? इसका कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा ना? अच्छा, मूली मिलेगा और मिर्च मिलेगा, चटनी भी देते हैं, बेसन है। बेसन है, बेसन में मिक्स करते हैं ना। थोड़ा नॉइज आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक से लोग गुजरते हैं, आते जाते हैं, गाने में सीधे निकलते हैं, थोड़ा नॉइज के लिए मुझे माफ करिएगा। पैकिंग का चार्ज है ना? नहीं ना, वही रेट है। अच्छा, बस खाइए, इसी का पैसा लगेगा ना?
जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको सबको अच्छा लगा तो मैं खाता हूँ, आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का टेस्ट मजा आ गया। बहुत ही कुछ ग्राहक है उनसे मैं पूछता, बट अभी तो इतना भी नहीं, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा। तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला, जब यहाँ से गुजरे तो आप जरूर ट्राई करिए। हाँ, थोड़ा सा आपको लगे गंदगी वगैरह, उसका दूसरा बात आप लोग खड़े होकर खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ के खाने के यहाँ पर बना हुआ है, खड़े होकर बाहर खा सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर रेटिंग देने वाला 10 में 10 देने वाला, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो आप लोग जब भी आगे गुजरिएगा तो यहाँ पर जरूर एक बार ट्राई करिएगा। आप लोग ले भी जा सकते, ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप रुक कर नहीं खाना चाहते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो, ले आ सकते हो, उसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगने वाला। ठीक है गाइस, सिपाही जी यहाँ पर खाते हैं, कैसा टेस्ट लगता है सिपाही यहाँ का? बहुत अच्छा खाते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, खाते हैं। यहाँ का टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है। पहली बार खाए, खाते हैं? खाते हैं, आते हैं तो खाते हैं। अच्छा, क्या खा रहे हैं आप? ब्रेड वाला, ब्रेड पकौड़ा। अच्छा, आप भैया कैसा लगा टेस्ट यहाँ का? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। खाएं पहले यहाँ पर? बहुत बार खाए हैं, बहुत बार खाए तो अच्छा लगता है। क्या बना रहे हैं? गोभी का पकौड़ा। गोभी का पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा बना रहे हैं। वो ब्रेड वाला था वहाँ पर निकला था, गोभी वाला बना रहे हैं। यहाँ पर जो भी आया ग्राहक, मैंने सबसे पूछा, सबने बोला बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, किसी ऐसा नहीं बोला खराब लगा, नहीं ऐसा नहीं है, सबको बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी ट्राई किया तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर करिए। ओके, बाय, टेक केयर।